डी फैमिली बताता हूं मैं आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, खानदानी लोग, डी फैमिली बताने जा रहा हूं, और आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं कि आप मोहल्ले में खुशियों की लहर फैला देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप इतने समझदार लोग हैं, आप बोलोगे हमारे मास्टर ने जो हमको बताया वो ना सुनी थी, ना सोची थी, ना कभी समझी थी। ये ट्रिक हो सकता है आपको बाद में कहीं और कॉपी मिल करती भी मिल जाए, हो सकता है आपको ये कहीं और कॉपी मिल करती भी मिल जाए कि यार, क्योंकि बहुत अच्छी ट्रिक ही ऐसी है, ये ट्रिक ही थोड़ी सी ऐसी है। यू विल एंजॉय दैट, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को कि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इस ट्रिक को लेकर। सर ऐसा क्या है इसके अंदर, उसमें ऐसा नया क्या है, आपको खुद को समझ आएगा। चार, सर आप तो खुद ही तारीफ कर, अरे भाई चीज ही ऐसी है। आइए बनाता हूं, अपने हाथों को अपने सामने रख लें ऐसे। अब आप अपने हाथों को फिक्स रख लें, जैसे यहां फिक्स हो जाएगा CHO, यहां फिक्स होगा CH2OH। अच्छा, ये आपका CHO, ये आपका CH2OH, ये आपका हर में फिक्स है, तो क्या बोल सकते हो? जितने मैं लिख रहा हूं उतने आप बताइए, ये क्या है? ये कीटो ट्रायोज, कीटो टेट्रोज, एल्डो ट्रायोज, इस तरीके से क्या नामकरण दोगे सबको? सभी लोग सेम हैं, सही सोच रहे हैं सर। ये सारे के सारे एल्डो हेक्सोज हैं, 1 2 3 4 5 6 हेक्सोज, हेक्सोज एंड 6 कार्बन और अल्डिहाइड, एल्डोज। अब सर OH को कैसे क्या रखना है, आप तो हमें ये बताओ OH को कैसे क्या रखना है। तो अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे ऊपर CHO, नीचे CH2OH, ये हाथों की उंगलियां इस तरफ वाली चीजों को शो कर रही हैं, उधर नहीं, इधर वाली को, मतलब राइट साइड वाली को, ऐसे। इधर क्या है वो अपने आप समझ में आ जाएगा, ऐसे। सर ये क्या है, ये OH की पोजीशन है। अगर ऐसे है मतलब OH 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 OH, मैं आपको समझा देता हूं वापस से, ऐसे कर रहा हूं ना मैं ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे के सारे OH हैं, तो अपने आप यहां क्या हो गए, H। अच्छा, तब आपको खेलना इन दो में है, मतलब इन दोनों उंगलियों में खेलने से आपके जेई सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा। खेलने तो चारों में पड़ता है, लेकिन हम दो में खेल के हमारा जेई का सिलेबस काम कर लेंगे। ये है एलोज, क्या ये एलोज सर, इससे हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा एलोज, ये है आपका एलोज, एक को घुमाया, हमें खेलना इन दो में ही है केवल एलोज। आप तो कैसे खेलना है, पीएनसी आती है, सब इधर, ये इधर, ये इधर, दोनों इधर, बस एलोज, ये वाला इधर, मतलब एक ओएच लेफ्ट में आ गया पहला वाला, तो क्या करोगे, एल्ट्रोज, एलोज, एल्ट्रोज। अब ये वाला ग्लूकोज, हाँ, ग्लूकोज ये तो था, एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मनोज, दोनों इधर, समझ गए? अब कितना इजी हो गया, चारों इधर, एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, सारे उधर, पहला उल्टा, बाकी सब सेम। अच्छा हाँ सर, समझ में आ रहा है, अब सर समझ में आ रहा है कहना क्या चाहते हो ये। और अब बीच वाला इधर, बाकी सब उधर। सर ये तो बहुत आसान हो गया, देखते तो जाओ अभी, फिर ये इधर, दोनों इधर, बाकी सब इधर। अरे वाह सर, ये चार हुए, पांचवा क्या है? पांचवा है यो, यो 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 मतलब पहला और आखिरी राइट में, ये यो पहला इधर आखिरी इधर, बीच वाले दोनों लेफ्ट में। अरे वाह सर, ये तो बहुत आसान हो गया, अब नामकरण कैसे कर रहे हो? अगर सारे इधर, उसको बोलते हैं एलोज, डी तो सारे ही हैं, डी तो सारे ही हैं, एलोज, इसको बोलते हैं एल्ट्रोज, एलोज एल्ट्रोज, याद भी कर रहे हैं, एलोज एल्ट्रोज ग्लूकोज मनोज, एलोज एल्ट्रोज, मेरे साथ बोले, मिलकर बोलो, सारे बोलो, एलोज एल्ट्रोज ग्लूकोज मनोज, एलोज एल्ट्रोज ग्लूकोज मनोज, एलोज एल्ट्रोज ग्लूकोज मनोज, एलोज एल्ट्रोज ग्लूकोज और मनोज। हिंदुस्तान में होता तो मनोज ही तो होता ये, और ये कौन है सर? यो, यो इज योर गैलेक्टोज। वाह सर, तो याद हो गए, और आपको बता दो आपके जेई में सवाल आता है ग्लूकोज पे, मनोज पे, गैलेक्टोज पे और फ्रक्टोज पे। सर आपने बोला जेई में हमारे फ्रक्टोज और ग्लूकोज ही है, दिया वही है, लेकिन यूज सब इनका पूछ लेते हैं। IIT वाले कुछ भी कर सकते हैं भैया, IIT वाले सन की कुछ भी कर सकते हैं, IIT वाले बहुत कुछ कर सकते हैं। ये ले लिया, डी ग्लूकोज, डी एल्ट्रोज, डी ग्लूकोज मनोज, एलोज एल्ट्रोज ग्लूकोज मनोज गैलेक्टोज, ये पांचों के पांचों आई होप आपने याद किए हों। सर और कोई याद करना है क्या? एक और याद करना होगा राइबोज, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा।